महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का दूदू दौरा, कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में योद्धाओं को दिया प्रशस्ति पत्र। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बालूलाल नागर ने की। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान जिन सरकारी कार्मिकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए विपत्ति काल में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वे संक्रमण के दौरान अपना जीवन दांव पर लगाकर जिन्होंने लोगों की सेवा की उनका हौसला अफजाई करने के लिए दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने विधानसभा के 1600 व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत कर अपने हाथों से कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। साथ ही समारोह में उद्बोधन में कहा कि ऐसा विधायक जनता के साथ साथ ऐसे सरकारी कार्मिकों को भी ध्यान में रखकर चलता है। ऐसे विधायक की राजस्थान की हर विधानसभा को जरूरत है। साथ ही केंद्र की भाजपा पर जमकर बरसी, कहा कि राजस्थान की सरकार के साथ जैसा भेदभाव केंद्र ने किया है यह स्वच्छ राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। कार्यक्रम में अंत में SDM राजन सिंह शेखावत ने सभी आगंतुक मेहमानों का धन्यवाद देकर कार्यक्रम को समाप्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को संभाला और कोरोना के अंदर पूरी देश दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम हुआ। उसी प्रकार से बाबूलाल नागर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक अनूठी पहल करके कोरोना योद्धाओं का जो सम्मान समारोह किया, उसके लिए तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि सभी जनप्रतिनिधि इस राह पर चलें, क्योंकि ऐसी मुश्किल की घड़ी में जब हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने घर घर सर्वे किए, घर घर गई और अपनी जान जोखिम में डाल के राजस्थान की जनता को संभालने की कोशिश की, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनको अभिशंसा करें इनकी। इसी संदर्भ के अंदर ये आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये बहुत ही अपने आप में अनूठी पहल थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की एक ये फितरत है कि अनर्गल बयानबाजी करें, लोगों का ध्यान भटकाएं, लोग जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे किस तरह की राजस्थान की जनता दूर होए, क्योंकि आज बेरोजगारी का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, 15-15 लाख रुपए हर घर के आदमी के खाते में आएंगे। बहुत सी ऐसी झूठी प्रलोभन देके वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। आज वो उन मुद्दों की बातें नहीं करती। कोरोना प्रबंधन में केंद्र सरकार ने राजस्थान के साथ किस तरह का भेदभाव किया, चाहे वैक्सीन को लेके, चाहे दवा को लेके, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सड़कों पे उतरे तब कहीं जाके वैक्सीनेशन फ्री किया। तो जिन मुद्दों के बारे में उनको बात करनी चाहिए उनके बात नहीं करके वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।